वेलकम फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम ब्रांच अकाउंटिंग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्रांच अकाउंटिंग अकाउंटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग के कौन से मेथड पे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, और फर्स्ट हमें वो मेथड आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद ही हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम ब्रांच अकाउंटिंग रिलेटेड थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद जो ब्रांच अकाउंटिंग के अलग अलग मेथड्स है उस मेथड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और ब्रांच अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है स्पेसिमन फॉर्मेट, वो स्पेसिमन फॉर्मेट भी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए, ब्रांच अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हम ये पढ़ लेते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज ब्रांचेस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ब्रांच अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है, और ये अकाउंटिंग सिस्टम कौन फॉलो करता है, कौन अडॉप्ट करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अलग अलग ब्रांचेस हो, विच हैज ब्रांचेस एट डिफरेंट प्लेसेस। सो ये लॉजिकल है कि कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी कोई ब्रांच ही नहीं है, तो उन्हें ब्रांच अकाउंटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और इनका हेड ऑफिस मुंबई में है, और ये अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, अपना बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुणे में एक ब्रांच ओपन कर दी। ठीक है, तो अभी यहाँ बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, अगर पुणे की ब्रांच अच्छा करेंगी बिजनेस तो एबीसी लिमिटेड चाहेगा कि और भी सिटी में वो अपने ब्रांच ओपन करे। ठीक है, तो इस तरह से एक हेड ऑफिस या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग ब्रांचेस ओपन करता है। पर देखिए, अगर ये ब्रांच ओपन कर रहे कहीं किसी सिटी में या दूसरी जगह पर, तो उनका अल्टीमेट एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट अर्न करना ही है ना। तो ये जो ब्रांच ओपन हुई है, तो ये ब्रांच मतलब प्रॉफिट, बिजनेस को प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ब्रांच अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रांच अकाउंट की कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, एक हेड ऑफिस होगा और उसके अलग अलग ब्रांचेस होंगे। ठीक है, अभी जो ब्रांचेस है वो उनका जो नेचर है या अदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इसमें टाइप्स ऑफ ब्रांचेस और फॉर्म्स ऑफ ब्रांचेस नेक्स्ट टाइटल है। अभी जो ब्रांचेस है ये मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है, एक होम ब्रांचेस एंड सेकेंडली फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ब्रांच में होम ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस हो गए। अभी ये जो होम ब्रांचेस है ये फर्दर डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस इस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांचेस वो होते हैं जो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होते हैं, परचेस करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस मीट करने के लिए वो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को राइट होता है कि वो अपने जो परचेसेस है, मतलब रॉ मटेरियल या वट एवर जो उन्हें गुड्स चाहिए वो अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं, इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अभी जो अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग हमें मेनली डिपेंडेंट ब्रांचेस का ही करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो वो इंडिपेंडेंटली अकाउंट प्रिपेयर करेंगी, और ये अकाउंट सिमिलर फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, बट डिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है, हेड ऑफिस गुड्स परचेस करता है और वो गुड्स ब्रांचेस को बेचता है बेचने के लिए। ओके, तो इस तरह, इसलिए वहां पे अकाउंटिंग अलग तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि फॉरेन ब्रांचेस है, ये फॉरेन ब्रांचेस ऑलवेज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि वो अदर कंट्री में होते, तो यहाँ पे आप उसके बारे में ये लिख सकते हैं कि जो फॉरेन कंट्री में ब्रांच ओपन किए है वो ब्रांच इंडिपेंडेंट होती है और उसे हम फॉरेन ब्रांचेस कहलाते हैं। अभी जो डिपेंडेंट ब्रांचेस है ना, ये डिपेंडेंट ब्रांचेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये फाइंड आउट करना जरूरी है। इसके लिए तीन अलग अलग मेथड्स है। ओके, तो जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग मेथड्स फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस। अभी इन मेथड्स में फर्स्ट मेथड है डेटर्स मेथड, सेकंड मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, एंड थर्ड मेथड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड।
तो यहां पे देखिए तीन मेथड्स है। फर्स्ट है डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। अभी क्या होता है, थर्ड मेथड इजी है, वो स्टूडेंट को इजीली समझ में आता है, बट डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। और डेटर्स मेथड्स में भी दो सिचुएशन होती है, डेटर्स मेथड है इसमें दो सिचुएशन होती है, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो डेटर्स मेथड है, इस डेटर्स मेथड के बारे में जानेंगे। और डेटर्स मेथड के केस में हमें जो फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट का या ब्रांच अकाउंट का, वो किस तरह से प्रिपेयर करना है ये भी देखेंगे। ठीक है, अभी इनिशियली जो डेटर्स मेथड है, इसके बारे में आप इतना माइंड में रखिए कि ये मेथड जब ब्रांचेस की साइज बहुत छोटी होती है उस केस में ये डेटर्स मेथड फॉलो की जाती है ब्रांच अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेड ऑफिस अपने बुक्स में, तो यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ डैश हेड ऑफिस, मतलब इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, हमारा जो एग्जाम्पल था उस वो जो हेड ऑफिस है उसके हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच जो भी ब्रांच होगी, अगर यहाँ पे पुणे ब्रांच है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे पुणे ब्रांच अकाउंट। तो इस तरह से ये ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर होता है फॉर द ईयर एंडेड नॉर्मल इसमें। और ये जो ब्रांच अकाउंट है, ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट जनरली नॉमिनल, मतलब टाइप नॉमिनल अकाउंट है, जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे प्रिपेयर करते हैं उसी तरह से यहाँ पे लॉजिकली हम पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, राइट। अभी इस ब्रांच अकाउंट का जो फॉर्मेट है इसमें कुछ चीजें फिक्स होती है, मतलब वो पोस्ट करानी होती है। जैसे कि देखिए पहले इनिशियली हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हमें ब्रांच के ओपनिंग असेट्स लिखने हैं, मतलब जो ब्रांच है उस ब्रांच के कुछ तो असेट्स हो गए, ओपनिंग असेट्स वो लिखने हैं, उसके बाद वो डेबिट साइड में लिखने, उसके बाद हम लिखेंगे ओपनिंग लाइबिलिटीज, तो ओपनिंग लाइबिलिटीज लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में आ गई। ठीक है, ये तो फिक्स हो गए। इसके बाद देखिए अभी ओपनिंग असेट्स लिखे हैं तो क्लोजिंग असेट्स भी लिखने होंगे, बट क्लोजिंग असेट्स हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो क्लोजिंग असेट लिखे, अभी लॉजिकली आप समझ ही पा रहे हो कि जो अगर ओपनिंग लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज कहाँ पे लिखेंगे, क्लोजिंग लाइबिलिटीज हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार पॉइंट तो फिक्स हो गए, ओपनिंग असेट्स डेबिट साइड पे लिखने हैं, क्लोजिंग असेट्स क्रेडिट साइड पे लिखने हैं एट द एंड, क्योंकि एट द एंड लिखना है ना, क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ही होता है। सिमिलरली ओपनिंग लाइबिलिटीज जो बिगनिंग है एट द बिगनिंग वो क्रेडिट साइड पे लिखने इनिशियली, एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज वो जो ब्रांच है उसके क्लोजिंग लाइबिलिटीज वो यहाँ पे लिखने एंड में। ठीक है, और अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में क्या होता है, हेड ऑफिस परचेस करता है गुड्स गुड्स की, और वो गुड्स वो बेचता है ब्रांचेस को सेल करने के लिए। तो जो भी गुड्स ब्रांच को भेजा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, और जो भी गुड्स रिसीव्ड किया गया है ब्रांच ने, ओके, तो वो कहाँ पे लिखना है, वो लिखना है डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ऐसे एक अकाउंट बनता है वहां पे। ये क्या पॉइंट है, देखिए हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजे हैं ब्रांच को वो गुड्स यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली अगर ब्रांच ने कुछ डिफेक्टिव माल आया है या डिफेक्टिव गुड्स है वो अगर रिटर्न कर दिए तो वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में। ठीक है, सिंपल है, देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को जो गुड्स भेजे हैं वो डेबिट साइड पे आएंगे, अगर ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न किए है हेड ऑफिस को तो वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए ब्रांच है तो ब्रांच पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सैलरी हो गई, एम्प्लॉय की इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखने हैं हमें, डेबिट साइड पे। अभी डिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है, ये सारे एक्सपेंसेस कौन पेड करता है, ये सारे एक्सपेंसेस पेड करता है हेड ऑफिस। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए कर्सर है कैश अकाउंट, और यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो एक्सपेंसेस वहां पे लिखने हैं। ठीक है, और जो भी रिमिटेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस तो पेड किए वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी पैसा आया रहेगा ब्रांच के पास तो वो अल्टीमेटली हेड ऑफिस को ही भेजना है, तो वो अगर पैसा हेड ऑफिस को भेजा है तो वो लिखना है हमें क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये देखिए ये 8 पॉइंट है, ठीक है 8 पॉइंट्स है, अगर ये 8 पॉइंट्स आपने रट लिए अच्छी तरह से इसे याद कर लिया तो डेटस मेथड के अंडर जो हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं ना डेटस मेथड, तो इस डेटस मेथड के अंदर आप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट फॉर्मेट देखना है। अभी देखिए इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, जैसे कि हम यहाँ लिखे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग असेट्स लिखने हैं ना हमें, तो ओपनिंग असेट्स में क्या आएगा, स्टॉक हो सकता है,
जो ब्रांच के पास गुड्स पड़े हैं ना, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो स्टॉक का बैलेंस आएगा। उसके बाद डेटर्स आएंगे, अगर ब्रांच ने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं तो डेटर्स आएंगे, मतलब ब्रांच के जितने भी ओपनिंग असेट्स है वो यहाँ पे लिखने। अगर ब्रांच में कुछ फर्नीचर है, फिक्स असेट्स भी यहाँ पे लिखने। उसके बाद देखिए पीटी कैश। पीटी कैश वो कैश होता है जो स्मॉल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए ब्रांच को भेजा जाता है, हेड ऑफिस भेजती है ब्रांच को, तो वो पीटी कैश भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस है कुछ, तो वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखने हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली ओपनिंग असेट्स जो है ना, ये ओपनिंग असेट्स वाला पार्ट है। ओपनिंग असेट्स में जितने भी ब्रांच के पास असेट्स होंगे ओपनिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के पहले, ओके, जितने भी असेट्स होंगे ये यहाँ पे लिखने। सिमिलरली जो लायबिलिटीज है ओपनिंग लायबिलिटीज, वो क्रेडिट साइड पे लिखने। तो लायबिलिटीज पे हमें पता है क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, कहीं लोन लिया है, किसी ब्रांच ने लोन लिया है या किसी ब्रांच के लिए ही लोन लिया है हेड ऑफिस में, तो वो लोन भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओपनिंग लायबिलिटीज में, ठीक है। तो ये हो गए ओपनिंग लायबिलिटीज। इसके अलावा अगर कुछ और ओपनिंग लायबिलिटीज दी है क्वेश्चन में तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट में देखिए ओपनिंग असेट ऑन डेबिट साइड, ओपनिंग लायबिलिटीज ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, देखिए ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है और ये पॉइंट्स है। इसके बाद कैश अकाउंट में जो एक्सपेंसेस है ना, हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंसेस पेड किए हैं ब्रांच को, जो एक्सपेंसेस, उसमें पीटी कैश आएगा, देन रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, मतलब ब्रांच के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं हेड ऑफिस ने, या ब्रांच के एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पेड किए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे लिखने डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी रिमिटेंसेस, मतलब यहाँ तो एक्सपेंसेस पेड किए और जो ब्रांच ने गुड्स बेचे रहेंगे उसका कुछ पैसा आया रहेगा ना उनके पास, तो वो रिमिटेंसेस में आता है। अभी रिमिटेंसेस में देखिए दो केस हो सकती है। एक केस में क्या हो सकता है, हमारे जो डेटर्स है वो डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसे भेज सकते हैं, वो भी यहाँ पे लिखना है हमें, मेंशन करना है। अगर हमारे डेटर, हमारे मतलब इस ब्रांच के डेटर्स ने हेड ऑफिस को डायरेक्टली पैसे सेंड किए तो वो भी यहाँ पे आएंगे, और इस ब्रांच ने जो भी पैसे हेड ऑफिस को सेंड किए वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे, ठीक है, रेमिटेंसेस में आएंगे, राइट। अभी इसके बाद देखिए हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है असेट्स के। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग असेट्स लिखा है ना, तो असेट की देखिए जनरली आपको ऑब्जर्व करना है कि जितने ओपनिंग असेट्स है उतने क्लोजिंग असेट्स भी होने चाहिए। तो क्लोजिंग असेट्स में स्टॉक है, देन पीटी कैश है, प्रीपेड इंश्योरेंस, फर्नीचर, डेटर्स, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, क्लोजिंग असेट में। उसके बाद देखिए क्लोजिंग लायबिलिटीज है, क्लोजिंग लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन एज इट इज आएगा, ठीक है। तो आपने जस्ट ये ओपनिंग असेट्स, क्लोजिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, ये भी पॉइंट मेंशन किए, तो आपको ये फॉर्मेट बहुत, मतलब ये लर्न किया तो ये फॉर्मेट आपका इजीली लर्न हो जाएगा, इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने जो भी एट पॉइंट थे, ये एट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए और उसके अंदर क्या क्या टाइटल आ सकते हैं वो भी डिस्कस किए। इसके अलावा और एक पॉइंट होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रांच है, अगर कोई हेड ऑफिस एक मतलब बड़ी कंपनी है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस है, तो किसी केस में ये भी हो सकता है ना कि एक ब्रांच ने दूसरे पर ब्रांच को गुड्स भेजे, तो उस केस में अगर हमारे ब्रांच ने किसी और ब्रांच से गुड्स रिसीव किए हैं तो वो भी यहाँ पे डेबिट साइड पे हमें मेंशन करना होगा, और उसके लिए हम वर्डिंग ऐसा करेंगे टू गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, जो अदर ब्रांच है उससे जो गुड्स रिसीव किए वो यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली ये भी पॉसिबल है कि हम किसी और ब्रांच को गुड्स भेज सकते हैं ना, तो वो क्रेडिट साइड पे आएंगे यहाँ पे, गुड्स सेंड टू अदर ब्रांच यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट है अंडर डेटर्स मेथड। जो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें इसी मेथड, इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद ये जो डेटर्स मेथड है इसमें दो सिचुएशंस होते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए।